हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज, क्लास 11, चैप्टर 2 एंड इट पार्ट 7. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कॉन्सेप्ट, मेरिट्स, लिमिटेशन एंड टाइप्स. इन दिस टॉपिक वी ओनली डिस्कस अबाउट द 4 पॉइंट: कॉन्सेप्ट, मेरिट्स, लिमिटेशन एंड टाइप्स. The word cooperative means working together and with other for a common purpose. Cooperative की meaning क्या होती है? Work together. एक साथ मिल करके work कर रहा किसी एक common purpose के लिए. The cooperative society is a voluntary association of persons who join together with the motive of welfare of the member. कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तो मीनिंग हुई कि कोऑपरेटिव का मीनिंग क्या है, कि वर्किंग टुगेदर. बट अगर हम इसकी मीनिंग देखें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या मीनिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ द कॉमर्स, तो ये वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर. पहली चीज़, ये वॉलेंट्री एसोसिएशन है कि जो पर्सन इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो पर्सन, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, वो वॉलेंट्री एसोसिएशन है कि जिसका एक इंटरेस्ट हो किसी एक चीज़ को करने के लिए, किसी एक कॉमन पर्पस है उस चीज़ को वेलफेयर के पर्पस के लिए, तो वो सारे लोग हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर. मेंबर्स के वेलफेयर, कौन से मेंबर? जो हमारे सोसाइटीज़ हो, जो हमारे वर्किंग, हमारे कंट्रीज़ के जो मेंबर्स हैं उनके वेलफेयर के पर्पज़ के लिए जो लोग एसोसिएट हुए हो. वॉलेंट्री, वर्ड वॉलेंट्री मतलब किसी के ऊपर ये प्रेशराइज या कंपल्सरी नहीं है, वो लोग खुद सेल्फ इंटरेस्ट से इस चीज़ को, इस सोसाइटी में वो लोग ज्वाइन हुए. और किस पर्पज़ के लिए? वेलफेयर के पर्पज़ के लिए. दे आर ड्राइविंग बाई द नीड टू प्रोटेक्ट देयर इनकम इंटरेस्ट इन द फेस ऑफ पॉसिबल एक्सप्लोटेशन एट द हैंड ऑफ मिडल मैन ऑफ एट द हैंड ऑफ मिडल मैन ऑब्जर्व विद द डिज़ायर टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट. अब यहाँ पर क्या मेन चीज़ क्या आती है, यहाँ पर क्या चीज़ मतलब एक्सप्लेन क्या करना है, कि जो भी पर्सन अगर यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं तो उनका सबसे बड़ा क्या पर्पस है, क्या डिज़ायर है, नीड क्या है, कि वो अपने बाय द नीड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द फेस ऑफ पॉसिबल. अब जो इसमें बीच के जो मिडिल मैन होते हैं, जिनका जो पर्पस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना, ये इनको एक्सप्लॉइट कर देते हैं. और जो अपनी सर्विसेज अपनी सोसाइटी में जो पहुँचाना चाहते हैं ताकि हमारे एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो सब भी प्रोटेक्ट हो सके, तो इसीलिए जो है इनका मेन पर्पस यही है. द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. अब इस जो सोसाइटी है, जैसे पार्टनरशिप क्या है, ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, इसका रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है, मगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या बोला गया है, ये एक कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, ये ज़रूरी है कि ये रजिस्टर हो किस एक्ट के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912. द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सिंपल इनफ एंड एट द मोस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द कंसेंट ऑफ अ लीस्ट 10 ऑर्डर्ड पर्सन टू फॉर्म अ सोसाइटी. द कैपिटल ऑफ सोसाइटीज राइज फ्रॉम इट्स मेंबर थ्रू द इशू ऑफ शेयर and the society required a distinct legal entity after its registration. इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है. एक ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसके कैपिटल कहाँ से आएगी, उसके मेंबर्स है, वो किसके थ्रू, जब वो शेयर इशू करेंगे. मतलब कि एक सोसाइटी बनेगी, किसी एक पर्टिकुलर उनका पर्पस होगा, जैसे पर्पस क्या हुआ, किसी एक नीडी पर्सन को, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड बच्चे होते हैं उनको अच्छी एजुकेशन दिलवाना. अब वहाँ पर लोग क्या है, वहाँ पर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लगाएंगे, देंगे, ताकि जितने भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी ये फीस आसानी से पेड हो सके. और दूसरी चीज़ क्या है, द सोसाइटी रिक्वायर्ड अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी आफ्टर इट रजिस्ट्रेशन. जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इससे जो है इसकी एक लीगल एंटिटी हो जाएगी, मतलब इसमें पर्सन जो मेंबर इन्वॉल्व हैं वो अलग और
जो सोसाइटी है वो एक अलग हो, मगर ये लीगल एंटिटी मानी जाएगी। दूसरी चीज़, ये लीगली वर्क के लिए ज्वाइन होंगे। यहाँ पर डिफिनेशन बताई गई है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सोसाइटी विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर इन अकॉर्डिंग विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है उसके हिसाब से क्या करते हैं ये लोग कि प्रोटेक्ट करते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। दूसरी फीचर्स, वॉलेंट्री मेंबरशिप। सबसे बड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है इसके? वॉलेंट्री मतलब यहाँ पे किसी को प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। कोई भी मतलब न कास्ट, रीजन, जेंडर, किसी का के सबके लिए ये ओपन है। हर एक पर्सन जो इंटरेस्ट हो, जो इंटरेस्टेड है इस फील्ड में, जो अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है, वो इसका फ्रीली वो ज्वाइन हो सकता है। तो द मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ वॉलेंट्री। मेंबरशिप इज़ ओपन एट ऑल इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रीजन, कास्ट एंड जेंडर। द पर्सन इज़ फ्री टू ज्वाइन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन आल्सो लीव एनी टाइम एज पर देयर डिज़ायर। और जिस तरह से ये आसानी से ये लोग ज्वाइन हो सकते हैं, उसी तरह से अपने डिज़ायर के हिसाब से ये लोग जो है इस सोसाइटी को छोड़ भी सकते हैं। लीगल स्टेटस, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ कंपल्सरी, देयरफॉर इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। पहली चीज़ कि लीगल स्टेटस मतलब ये कंपलसरी, ये रजिस्ट्रेशन होना इसमें ज़रूरी है। देखो वर्क जो है इलीगल भी बहुत सारे लोग मिल करके काम कर सकते हैं, मगर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जब वो रजिस्टर्ड हो जाती है तो वो लीगल वर्क कर रही है, और इससे उसका मेंबर्स जो जितने भी मेंबर्स हैं वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। जो उसके मेंबर हैं और जो उसकी एक लीगल एंटिटी वो डिफरेंट है। मतलब ये कि अगर कोई भी लॉसेस हो रहे हैं तो उसके पर्सनल मेंबर्स जो हैं उनकी उनकी एक पर्सनली जो लाइबिलिटी, पर्सनली जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो नहीं जाएगी। और इसलिए लीगल वर्क क्या है, लीगली वो लोग लाइबिल हैं, लीगल वो वर्क किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट इज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इनकी लिमिटेड है, वही चीज़ है कि जो भी अगर लॉस हुआ, कोई भी रिस्क हुआ, तो इसके उनके मेंबर्स की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज नहीं जाएगी। कंट्रोल, इसमें कंट्रोल किया किसका होता है, इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। जो मैनेजिंग कमेटी इलेक्टेड की जाती है उनके हाथ में इसके डिसीजन होते हैं। द राइट टू वे टू वोट गिव द मेंबर अ चांस टू चूज द मेंबर्स हु विल कंट्रीब्यूट द मैनेजिंग कमेटी एंड दिस लिन कोऑपरेटिव सोसाइटी द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। दूसरी चीज़, तो इसमें कंट्रोल किसके हाथ में है, मैनेजिंग कमेटी। हर एक पर्सन के ऊपर यह राइट होता है कि वो वोट करे जिसको वो चाहे, और वो मेंबर वही मेंबर बन जाएगा मैनेजिंग कमेटी का। और इससे क्या है, ये किस चीज़ को बढ़ा रहा है, डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक मेंबर्स जो होंगे उसके पास राइट होगा कि वो वोट करे और अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को सेलेक्ट करें, अपने मेंबर्स को सेलेक्ट करें। सर्विस मोटिव, द पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर। सबसे मेन पर्पस क्या है, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव क्या है, वो हेल्प करना, म्यूचुअल हेल्प और वेलफेयर के लिए काम करना। इट इज़ फ्रॉम विद द मोटिव ऑफ सर्विस टू इट्स मेंबर। और दूसरी चीज़, ये किसके उससे फॉर्म किया गया है, ये उसके मेंबर्स जो होंगे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका कोई भी पर्पस नहीं होता कि वो प्रॉफिट अर्न करना। इफ एनी सरप्लस इज गैदर्ड एट द रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर एज डिविडेंड इन कन्फॉर्मिटी विद द बाय लॉ ऑफ द सोसाइटी। अगर कभी कभी सरप्लस गैदरिंग हो गई है, सरप्लस अमाउंट आ गया है, तो उसके उस अमाउंट को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज अ डिविडेंड। वो डिविडेंड किस फॉर्म में होगा कि उन्होंने वो वर्क किया उनकी कन्फॉर्मिटी के लिए, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। मेरिट, द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफर मैनी बेनिफिट टू इट्स मेंबर। अब इसके जो मेंबर है उसको बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इजी ऑफ फॉर्मेशन, आसानी से ये फॉर्म हो सकती है। इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, हर एक मेंबर्स को एक बार राइट होता है कि वो वोट करें।
इनरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर। बजाय इसके भी कौन सा मेंबर जितना पैसा कंट्रीब्यूट करेगा उसको इतना ज़्यादा वोटिंग राइट्स मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। स्टेबल एक्सरसाइज एग्जिस्टेंस, जिनकी एग्जिस्टेंस है कि ये कब तक अपना वर्क कर सकते हैं, या ये जो सोसाइटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी कब तक इसके मेंबर्स हो सकते हैं, तो इसमें अगर कोई भी मेंबर की डेथ हो रही है, बैंकरप्सी हो रही है, इंसॉल्वेंसी हो रही, तो इससे उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, मतलब ये कंटिन्यू चलती रहेगी, अनइफेक्टेड होगी बट बाई एनी चेंज इन द मेंबरशिप। अगर कोई मेंबरशिप में कोई चेंज आ रहा है तभी भी ये सोसाइटी कंटिन्यू वर्क करती रहेगी। फिफ्थ पॉइंट इज द इकॉनमी इन ऑपरेशन। द मेंबर्स जनरली ऑफर ऑनरेरी सर्विसेज टू द सोसाइटी एज द फोकस इज ऑन एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। दूसरी चीज़ ये क्या है कि ये जो इसके इकॉनमी को ये किस तरह से वर्क कर रही है, ये सारे मेंबर्स को क्या एक ऑफर कर रही है सर्विस, किसके प्रोस्पर सोसाइटी के लिए, जितने भी मेंबर्स हैं अगर उनके अंदर कोई भी स्पेशलाइज चीज़ है तो वो अपने सोसाइटी के लिए एज सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और इनका फोकस एज इस फोकस इज ऑन एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। जो मिडिल मैन होते हैं जो वर्क करते हैं बीच में, वो पूरी तरह से उनको मतलब उनको एलिमिनेट करते हैं ताकि जो है जो हमारे सोसाइटी के पास जो गुड्स जो सर्विसेज पहुँचे वो कम से कम कॉस्ट में पहुँचे। सपोर्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट है। जो भी मेंबर इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको टैक्सेस उनका लो कर दिया जाएगा, मतलब जितना भी अमाउंट वो इस सोसाइटी को दे रहे हैं तो उस पर उसको टैक्स लेस टैक्सेस कर दिए जाते हैं, सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है, लो इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन, और लोन पर जो है इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है। मतलब अगर वो लोन लेते हैं किस कहीं से भी ये दिखा करके कि वो एक वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं, सोसाइटी वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं, तो उस पर जो है इंटरेस्ट रेट भी लो हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अदर पॉइंट इज लिमिटेशन। जिस तरह से हमारे एडवांटेजेस मेरिट्स हैं उसी तरह से इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिमिटेशन। पहला क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इनके पास रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होते हैं, मतलब इनके पास कैपिटल अमाउंट बहुत ही कम होता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ये अपने वर्क को चाह कर के भी अपने जो पर्पस होता है उसको कभी कभी नहीं अचीव कर पाते, वो इतना इफिशियंटली नहीं वर्क कर पाते। इनएफिशिएंसी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में जो है वो इनएफिशिएंसी आती है, कैसे आती है, क्योंकि जो भी वर्कर जो भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि उसमें हर एक पर्सन जो मेंबर है इस सोसाइटी का वो प्रोफेशनली जो है वो एकदम स्पेशलाइज हो फील्ड में, ऐसा नहीं। हर एक पर्सन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वहाँ पे काम करता है, इसीलिए किस बहुत सारे हद तक ये होता है क्योंकि मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी होती है और कभी कभी ये बंद होने के। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अनएबल टू अट्रैक्ट एंड एम्प्लॉय एक्सपर्ट मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू पे देम हाई सैलरी, क्योंकि उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि उनको अच्छी सैलरी पे कर सके। लैक ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की मतलब इसमें लैक हो सकती है क्योंकि कोई भी मेंबर है कभी भी ज्वाइन हो सकता है, कभी भी निकल सकता है, तो वो जब ज्वाइन होगा तो वो उस और उस सोसाइटी की उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वो आसानी से वो उसको मिल जाएगी, और फिर वो जा करके मतलब वो बाहर उसको लीक कर सकता है जो सीक्रेट बात होगी, या उसको अपने हिसाब से कुछ और वर्क कर सकता है। इसीलिए लैक ऑफ सिक्योरिटी इसके लिमिटेशन है। गवर्नमेंट कंट्रोल, इन रिटर्न ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू इम्प्लॉय विद सेवरल रूल एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू ऑडिटिंग ऑफ द अकाउंट, सबमिशन ऑफ द अकाउंट। तो जब हमारी गवर्नमेंट हमको बहुत सारे प्रिविलेज दे रही है, जैसे लो टैक्सेस ले रही है, सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, इंटरेस्ट रेट कम दे रही, तो उस सिचुएशन में जब वो हमको इतने सारी चीज़ को ऑफर कर रही है तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट हमारे
अकाउंट्स को भी ऑडिट करा सकती है, अकाउंट को सबमिशन करा सकती है, उससे रिलेटेड रूल्स भी वो बना सकती है, इसीलिए इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल होगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इंटरनल क्वेरल्स अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द कंट्रेरी व्यू पॉइंट मे बी लीड इन डिफिकल्टीज इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बहुत सारे पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हर एक पर्सन के अपना एक मोटिव होता है अपना, और हर एक पर्सन अपने बेनिफिट्स के लिए भी वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक लोग जो अपने ओपिनियन देंगे तो उसमें क्या होगा, एक पर्सन ने किसी चीज़ से रिलेटेड ओपिनियन दिया, दूसरे ने दूसरे चीज़ से रिलेटेड दिया, इसमें आ जाएगा कन्फ्लिक्ट। तो बहुत सारे ये भी प्रॉब्लम है कि ओपिनियंस में जो होगी, जो लोगों की राय होती है उसमें अगर डिफरेंसेस हो कि भी चांसेस है, तो ये एक लिमिटेशन है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स, एंड यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी पॉइंट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।